स्वागत है आपका। उत्तराखंड प्राइम देख रहे हैं आप और इस बुलेटिन की शुरुआत हम बड़ी खबर से करने जा रहे हैं, जहां रामनगर में कोरोना पॉजिटिव युवक की मौत की खबर है। दिल्ली से आकर ये युवक अपने घर पर रह रहा था, प्राइवेट लैब में कोविड का टेस्ट कराया गया था और बड़ी बात जो इससे निकलकर सामने आ रही है वो ये कि ये युवक जो है वो कैंसर की बीमारी से जूझ रहा था। अब इसकी मौत हो गई है। सरकारी अस्पताल में इस मरीज का कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है, टेस्ट भी प्राइवेट ही कराया गया था। प्रशासन मृतक युवक का पोस्टमार्टम करा रहा है। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, रामनगर में कोरोना पॉजिटिव युवक की मौत का मामला सामने आया है। ये युवक कैंसर पीड़ित था, दिल्ली से लौटा था, अपने घर में रह रहा था। इसी कारण सरकारी अस्पताल में इसका कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। प्राइवेट लैब में इसने कोविड का टेस्ट कराया था जो कि कोरोना पॉजिटिव आया। सरकारी अस्पताल में इस मरीज का कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, रामनगर से आ रही है, जहां पर एक कैंसर पीड़ित कोविड पॉजिटिव युवक की मौत की खबर है। हालांकि पुलिस अब उसका पोस्टमार्टम करा रही है। दिल्ली से आकर ये युवक चुपचाप अपने घर में रह रहा था और कोविड का टेस्ट भी प्राइवेट लैब में इसने कराया था। कैंसर पीड़ित एक युवक जिसकी मौत हो गई है, सरकारी अस्पताल में उसका कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। तो बड़ी खबर इस वक्त रामनगर से हम आपको बता रहे हैं, जहां पर एक युवक की मौत की खबर है। कैंसर पीड़ित एक युवक जिसकी मौत हो गई, उसने प्राइवेट लैब में कोविड टेस्ट भी करवाया था, अब उसके शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। अगली खबर भी एक बड़ी खबर है जो कि टिहरी जिले से आ रही है, जहां पर तेजी से कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं। घनसाली में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। जिले में अब तक 60 लोगों में कोरोना की पुष्टि की जा चुकी है। कोरोना मरीजों के संपर्क में 62 लोग जो आए हैं, जिनको चिन्हित किया गया है। घनसाली में तेजी से कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। जिले में अब तक 60 लोगों में कोरोना की पुष्टि हो चुकी है। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, टिहरी से आ रही है, घनसाली में कोरोना पेशेंट्स की तादाद बढ़ रही है। मरीजों के संपर्क में 62 लोग, यानी कि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग जो की गई है, कुल मिलाकर 62 लोग आए हैं। टिहरी जिले में तेजी से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और खास तौर पर घनसाली जो जगह है वहां पर मामलों में तेजी से इजाफा हो रहा है। कुल मिलाकर पूरे जिले में अब तक 60 लोगों को कोविड की पुष्टि की जा चुकी है। इसके अलावा जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग चल रही है उसमें भी 62 लोग चिन्हित किए गए हैं जो इन कोरोना मरीजों के संपर्क में आए थे। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं टिहरी से, जहां पूरे जिले में कोरोना पेशेंट्स की तादाद बढ़कर अब 60 तक जा पहुंची है। अब तक 60 लोगों में कोरोना की पुष्टि हो चुकी है और जो घनसाली इलाका है यहां का, वहां पर भी मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। उधर देहरादून से भी एक बड़ी खबर आ रही है, जहां दून हॉस्पिटल में एक युवक की मौत की खबर है। उत्तरकाशी का रहने वाला ये युवक है जिसकी दून अस्पताल में मौत हुई है। तो उत्तरकाशी के युवक की मौत हो गई है। हालांकि ये मौत किस कारण हुई, इस पर जानकारी जैसे ही आएगी हम आपको बताएंगे, लेकिन दून अस्पताल में इस युवक ने दम तोड़ दिया। उत्तरकाशी का ये रहने वाला था, हालांकि इसकी कोरोना रिपोर्ट आनी अभी बाकी है। तो उसकी मौत किस कारण हुई है इसका पता फिलहाल लगाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि इसकी रिपोर्ट आने के बाद ही इसका जो शव है वो घर वालों को सौंपा जाएगा। तो देहरादून हॉस्पिटल में एक युवक जिसकी मौत हुई है वो उत्तरकाशी का रहने वाला है। रवि कैंतुरा से अपडेट लेते हैं। रवि, और क्या जानकारी मिल पा रही है इस मामले से संबंधित? जी देखिए आस्था, ये जो युवक है इसको उत्तरकाशी में क्वारंटीन किया गया था, लेकिन क्वारंटीन सेंटर में इसकी तबीयत काफी खराब हो गई थी, जिसके बाद इसको दून अस्पताल में रेफर किया गया। जो डॉक्टर्स बता रहे हैं इसके हाथों में इंफेक्शन था, कार्डियक संबंधी कुछ समस्याएं थी और जो है कल कोविड का सैंपल भी लिया गया था। हालांकि इसकी मौत हो गई है, लेकिन अभी जो है रिपोर्ट नहीं आई है कि कोविड पेशेंट था या नहीं,
इसी वजह से जो है इसका जो शव है वो अभी भी परिजनों को नहीं सौंपा है। रिपोर्ट आने के बाद ही शव को परिजनों को दिया जाए। शुक्रिया रवि अहम अपडेट के लिए। तो बड़ी बात यही कि उत्तरकाशी में ये क्वारंटीन था, तबियत बिगड़ गई थी, उसको कार्डियो संबंधी परेशानी भी थी जिसके चलते उसको दून हॉस्पिटल में रेफर किया गया, यहाँ पर ये एडमिट था, लेकिन अब उसकी मौत हो गई है और टेस्ट रिपोर्ट कोविड की जब आ जाएगी उसके बाद ही इसका शव उसके घर वालों को सौंपा जाएगा। उधर श्रीनगर में देवप्रयाग इलाके में एक मकान गिरने की खबर आई है। बताया जा रहा है कि घटोल गाँव में सुबह 4 बजे एक मकान भरभराकर अचानक गिर पड़ा जिसके नीचे 2 महिलाएं दब गई। पुलिस ने जैसे तैसे एक महिला को तो मलबे से निकाल लिया लेकिन एक महिला की मौत हो गई है। तो तस्वीर दिखा रहे हैं उस घर की जो आज सुबह अचानक भरभराकर गिर गया, मलबे के नीचे दबकर एक महिला की मौत हो गई है और दूसरी महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है। इसके मलबे के नीचे दोनों महिलाएं गिर गई, पूरे परिवार में इस वक्त मातम का माहौल है। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि इस तरह यह हादसा हो जाएगा। दोनों महिलाएं घर के अंदर और अचानक मकान की छत उनके ऊपर गिर जाती है जिसमें दबकर एक महिला की मौत हो जाती है और दूसरी महिला घायल है। 4:30 बजे के लगभग हम लोगों को सूचना मिली कि यहाँ पे रामपुर श्यामपुर डंडना में एक मकान का छत गिर गया है जिसके अंदर एक बुजुर्ग महिला दबी हुई है और उनके साथ में उनकी बिटिया भी रहती थी। तो जो बिटिया तो बाहर निकल गई लेकिन वो उसके अंदर ही है। तो मलबे को हटाने का काम किया जा रहा है। आप देखिए तड़के ये हादसा हुआ है जब ये दोनों महिलाएं मकान के अंदर और ऊपर से छत इनके ऊपर गिर जाती है जिसमें दोनों दब जाती हैं, एक की मौत हो गई और दूसरी घायल है जिसका इलाज चल रहा है। परिवार सदमे में है, मलबे को हटाने का काम इस वक्त किया जा रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कैसे पुलिस की मदद से और आसपास लोगों की मदद से उस मलबे को हटाने का काम किया जा रहा है। एबीपी गंगा उत्तराखंड में क्वारंटीन सेंटर्स की बदहाली की तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहा है और उसी का असर है कि अब विपक्ष के नेता और अधिकारी क्वारंटीन सेंटर्स में पहुंचने लगे हैं। रात में थोड़ा डर लगता है ना, अकेले रहते हैं। उत्तराखंड में क्वारंटीन सेंटरों की कड़वी हकीकत अब हर दिन सामने आ रही है। हल्द्वानी के क्वारंटीन सेंटर में ठहरी इस युवती ने वहाँ के मौजूदा हालात साफ बयां कर दिए हैं। क्वारंटीन सेंटर में न तो सुरक्षा के इंतजाम है और न ही जरूरी सुविधाएं। इससे पहले हम कुछ और कहें, आप इस युवती की जुबानी खुद सुनिए क्वारंटीन सेंटरों की सच्चाई। नोएडा से हैं हम लोग तीनों एक साथ है, तो यहाँ दिक्कत हो रही है, वॉशरूम की दिक्कत है थोड़ा बहुत और थोड़ा मतलब रात में थोड़ा डर लगता है ना, अकेले रहते हैं। कोई यहाँ पर अधिकारी या कोई देखने अभी आता है? हाँ, आते रहते हैं। मेडिकल स्टाफ कोई नहीं आया अभी तक, मेडिकल वाले कोई नहीं आए। आपने शिकायत करी दिक्कत हो? हाँ बोली तो है। हालात का जायजा लेने के लिए नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश खुद मौके पर पहुंची। इंदिरा हृदयेश ने क्वारंटीन सेंटर में मौजूद लोगों से बात की। शिकायत है कि क्वारंटीन सेंटरों में व्यवस्था जुटाने के लिए ग्राम प्रधानों को सही से बजट नहीं मिल रहा है। मैंने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से पूछा कि उनकी सुरक्षा की क्या दिक्कत है, बोले छोटे सेंटर के लिए इतनी पुलिस हम पर नहीं डिप्लॉय करें, हम ये काम पटवारियों को सौंपेंगे, उन्हीं को सौंप रहे हैं। और साथ में उन्होंने पैसे को कैसे वितरित करेंगे ये भी बताया। मैंने कहा जो आपने आदेश किए उसकी कॉपी भेज दी। ग्राम प्रधान की भी शिकायत है कि उन्हें प्रदेश सरकार की तरफ से अब तक कोई पैसा नहीं मिला है, मगर सरकार कह रही है कि ग्राम प्रधानों को पूरी मदद भेजी जा रही है। पूरी कोशिश कर रहे हैं कि बच्चे अच्छी से रहें, सारी सुविधा मिले उनको, और सरकार की तरफ से हमें अभी तक कोई सुविधा नहीं मिली है। और हम चाहते हैं कि सरकार भी जल्द से जल्द हमारी ध्यान दें बच्चों पर जो क्वारंटाइन कर रहे हैं। अब ऐसे में सवाल ये है कि इन हालात में लोग क्वारंटीन सेंटरों में रहेंगे कैसे? क्या प्रवासियों को सिर्फ वापस उत्तराखंड में लाकर सरकार की जिम्मेदारी पूरी हो गई है? क्वारंटीन सेंटरों में जरूरी सुविधाएं देना क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? हल्द्वानी से अंकित साह की रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदल सकता है। प्रदेश के कई इलाकों में बारिश हो सकती है। 31 मई तक पूरे प्रदेश में बारिश की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग ने यह अनुमान लगाया है कि उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदल सकता है।
प्रदेश के कई इलाकों में बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तराखंड के कई इलाकों में आने वाले दिनों में बारिश हो सकती है, यह अनुमान लगाया गया है मौसम विभाग द्वारा। 31 मई तक पूरे प्रदेश में बारिश की संभावना है। हालांकि 28 तारीख के लिए ही मौसम विभाग ने प्रेडिक्शन दिया है कि उस दिन उत्तर भारत के कई इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है, बूंदाबांदी भी हो सकती है, लेकिन उत्तराखंड के कई इलाकों में तेज बारिश का अनुमान मौसम विभाग ने लगाया है। 31 मई तक ऐसा ही मौसम रह सकता है उत्तराखंड में। पहाड़ पर बारिश की संभावना है। इसके अलावा प्रदेश के और भी कई इलाकों में बारिश हो सकती है और ये सब कुछ होगा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण जो तेजी से बढ़ रहा है और 28 तारीख से इसका असर दिखना, आज के दिन से इसका असर दिखना शुरू हो जाएगा। 31 तारीख तक ये मौसम ऐसे ही बना रह सकता है। उधर फ्लाइट से आने वाले यात्रियों को लेकर राज्य सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। राज्य सरकार ने छूट दी है कि जिनके बच्चे 10 साल से छोटे हैं और जो लोग 65 साल से अधिक आयु के हैं वो अपने घरों पर भी होम क्वारंटीन हो सकते हैं। अभी तक फ्लाइट से आने वाले सभी लोगों को प्रशासन के द्वारा होटल्स में क्वारंटीन किया जा रहा था। बच्चे और बुजुर्ग होम क्वारंटीन हो सकेंगे। सरकार ने ये छूट दी है। लॉकडाउन के नियम में एक और फ्लेक्सिबिलिटी बच्चों और बुजुर्गों के लिए जिनकी उम्र 65 साल से ज़्यादा है और 10 साल से कम आयु के बच्चे, उनको अब सरकार द्वारा चिन्हित क्वारंटीन सेंटर्स में नहीं जाना होगा, वो होम क्वारंटीन हो सकते हैं। एयरपोर्ट से आ रहे थे और उनको जो होटल में हम क्वारंटीन करने की प्रक्रिया कर रहे हैं उस प्रक्रिया में राज्य सरकार ने कुछ छूट प्रदान करी है। जैसे कि वो लोग जिनके बच्चे 10 वर्ष से छोटे हैं या 65 वर्ष से ऊपर के लोग हैं वो अपने घरों में क्वारंटीन हो पाएंगे। जिनको कोमॉर्बिडिटी की कंडीशन है ऐसे लोग अपने घरों में होम क्वारंटीन हो पाएंगे। इसके अलावा किसी के घर में अगर मृत्यु हो गई है तो उसमें अगर लोग आ रहे हैं तो वो भी जो है अपने घरों में जाकर के उस संस्कार में सम्मिलित हो पाएंगे। उधम सिंह नगर में पीएसी वाहनी में तैनात कर्मी की मौत की खबर है। छत से गिरकर इस कर्मचारी की मौत हुई है। बागेश्वर का ये रहने वाला था। अहम अपडेट आपको बता रहे हैं, उधम सिंह नगर में पीएसी वाहिनी में तैनात एक कर्मचारी की मौत हो गई है। छत से गिरने के कारण इस कर्मचारी की मृत्यु हो गई। बागेश्वर का रहने वाला था ये कर्मचारी जिसकी छत से गिरने की वजह से मौत हो गई है। उसकी पोस्टिंग उधम सिंह नगर में पीएसी वाहिनी में थी लेकिन छत से गिरने की वजह से इस कर्मचारी की मौत हो गई है। उधर श्रीनगर में लॉकडाउन के दौरान दूसरे राज्यों के सैकड़ों मजदूरों का रोजगार छिन गया। ऐसे में ये मजदूर अब अपने घर लौट गए हैं। 110 मजदूरों को अपने अपने गंतव्य के लिए रवाना किया गया। ये बसें प्रवासी मजदूरों को ऋषिकेश तक छोड़ेंगी। इसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार की बसें इन्हें इनके गंतव्य तक लेकर जाएंगी। ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा और हमारी राज्य सरकार द्वारा इनको उत्तर प्रदेश पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। आज कुल 110 जो उत्तर प्रदेश के लोग हैं उन्हें यहाँ से लक्ष्मण झूला भेजा गया है। लक्ष्मण झूला से रोडवेज बसें आएंगी जो इनको लेकर उत्तर प्रदेश जाएंगी। उधर कॉर्बेट नेशनल पार्क में इस साल पर्यटन शुरू होने की संभावनाएं बहुत कम है। अभी लॉकडाउन का चौथा चरण चल रहा है। आने वाले दिनों में अगर छूट मिल भी जाती है तो उससे कोई ज्यादा फायदा होता दिखाई नहीं दे रहा। मानसून सीजन में कॉर्बेट को बंद कर दिया जाता है लिहाजा पार्क खुलने का महज एक महीना ही बचता है। 15 जून को मानसून सीजन में ढिकाला जोन सैलानियों के लिए बंद कर दिया जाता है। ढिकाला बंद होते ही पार्क में नाइट स्टे बंद हो जाता है जबकि पार्क का बिजरानी जोन पर्यटन जोन 30 जून से बंद होता है। पार्क के झिरना और ढेला जोन साल भर पर्यटकों के लिए खुले रहते हैं। 31 मई तक सभी पर्यटन गतिविधियां जो बंद है उसके बाद की स्थिति के लिए जो भी गृह मंत्रालय भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा जो भी दिशा निर्देश जारी किए गए जाएंगे उसको उस पर कार्रवाई करते हुए ही आगे की पर्यटन गतिविधि के बारे में कोई निर्णय लिया जा सकेगा। रुक रहे एक ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर हो रहे हैं। खबरें अभी और भी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।
स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। उधम सिंह नगर में कोरोना के 7 नए मरीज मिलने के बाद हड़कंप मच गया है। जिले में अब तक कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 57 हो गई है। महाराष्ट्र से ट्रेन से लौटे 7 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है और 7 कोरोना मरीज पंतनगर विश्वविद्यालय के पटेल हॉस्टल में क्वारंटीन में थे। अब उनकी रिपोर्ट आने के बाद हल्द्वानी के सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज में उन्हें शिफ्ट किया गया। तो जिले में कोरोना के जो मरीज है अब उनकी संख्या 57 तक जा पहुंची है। 7 नए कोरोना मरीज मिले हैं जो कि महाराष्ट्र से लौटे हैं। 7 कोरोना पॉजिटिव पाए गए और इसी के साथ जिले में अब जो कोविड पेशेंट्स की संख्या है वो 57 जा पहुंची है। इन सभी 7 को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। वहीं कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए चमोली के माणा गांव में बाहरी लोगों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। कोई भी बाहर का व्यक्ति इस गांव में नहीं आ सकेगा। दरअसल चमोली जिले में भी कोरोना वायरस ने दस्तक दे दी है। उसी के चलते ग्रामीणों ने गांव में किसी भी बाहरी व्यक्ति का प्रवेश बंद कर दिया है। इन दिनों गाँव के ग्रामीण खेती किसानी में जुटे हैं और इस बार जहाँ बद्रीनाथ मंदिर में यात्रा पर यात्रियों समेत स्थानीय लोगों का प्रवेश वर्जित है। हर साल यात्रा काल में देश के श्रद्धालु बद्रीनाथ दर्शन के बाद गांव माणा पहुंचते थे, लेकिन इस बार गांव में लोगों को एंट्री नहीं मिलेगी। हाल ही में देहरादून में बनाए गए क्वारंटीन सेंटर से करीब 900 चादरें चोरी हो गई थी। ऐसा माना जा रहा है कि इन चादरों को क्वारंटीन में रहने वाले लोग खुद के ही साथ ले गए। अब कपड़ों के चादरों की जगह डिस्पोजेबल बेडशीट को क्वारंटीन सेंटर्स में रखा जाएगा। तो सेंटर से कुल मिलाकर 900 चादरें गायब हैं और माना यह जा रहा है कि जो लोग क्वारंटीन हुए उसके बाद वो चादरें साथ ले गए। लिहाजा अब इसका ऑल्टरनेट ये निकाला गया कि डिस्पोजेबल बेडशीट्स जो हैं अब यहां पर बिछाई जाएंगी इन गद्दों के ऊपर। डिस्पोजेबल बेडशीट्स हम मंगाने का कर रहे हैं और अभी हमने उसका सैंपल मंगाया हुआ है। वो सैंपल हम चेक कर लेंगे और वो डिस्पोजेबल बेडशीट लगाने का एक तो ये है कि जो चोरी वगैरह का इशू है वो नहीं होगा, उसकी कॉस्ट भी रिलेटिवली कम होती है और उसके बाद एक बार यूज़ करने के बाद उसको चेंज करके दूसरा बिछाया जाएगा। उत्तराखंड में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है, खासकर प्रवासी लोगों की एंट्री के बाद मामले कुछ ज्यादा ही बढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य सचिव अमित नेगी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि प्रवासियों को क्वारंटीन करने के साथ उनके रहने की उचित व्यवस्था भी करने की जरूरत है। पूरा स्टेट गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन लगातार प्रयासरत है कि वहाँ पर एक बेसिक मिनिमम स्टैंडर्ड अच्छे स्टैंडर्ड लोगों को मिले और जो हमारे पास शिकायतें आ रही हैं दोबारा हम कलेक्टर्स को डायरेक्शन दे रहे हैं कि अपना स्टैंडर्ड को और ठीक कर लेंगे। वो तो मेजबानी है। और इस वक्त एक बड़ी खबर बागेश्वर से आ रही है जहां पर क्वारंटीन सेंटर से एक युवक के फरार होने की खबर है। भाग गया एक युवक बागेश्वर के क्वारंटीन सेंटर से। बड़ी खबर हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। पुलिस ने युवक को पकड़कर आइसोलेट किया है। बागेश्वर के क्वारंटीन सेंटर से एक युवक फरार हुआ, आइसोलेशन से भाग गया है। पुलिस ने उसको पकड़कर आइसोलेट किया है। उस युवक को हिरासत में ले लिया गया है। भागा था वो क्वारंटीन सेंटर से जो कि बागेश्वर में था, उसको पुलिस ने पकड़ लिया है और हिरासत में ले लिया है। बड़ी खबर बागेश्वर से, आइसोलेशन सेंटर से भागे युवक को पुलिस ने पकड़ा और उसको वापस आइसोलेशन में रखा है। खबर ये आ रही है कि ये युवक क्वारंटीन सेंटर से भाग रहा था लेकिन पुलिस ने उसको पकड़ लिया तो फरार होने की ये कोशिश नाकाम हो गई, पुलिस के हत्थे चढ़ गया ये युवक। हालांकि इसने ऐसा क्यों किया इस पर अभी जानकारी आना बाकी है। 30 मई को मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का एक साल पूरा होने जा रहा है। इसी को लेकर भाजपा केंद्र सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने के लिए पत्र भेजेगी। बूथ लेवल पर पन्ना प्रमुख बनाए जाएंगे जिन्हें घर घर तक सरकार की उपलब्धियों को पहुंचाने का काम सौंपा जाएगा।
तो 30 मई को मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का एक साल पूरा होने जा रहा है और क्या तैयारियां हैं आपको बता रहे हैं। पत्र के जरिए उपलब्धियां गिनवाई जाएंगी, इस बार डिजिटली भी प्रमोट करने की योजना है पार्टी की कि क्या क्या किया गया है इस एक साल में, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करके बड़े पैमाने तक लोगों तक ये जानकारी पहुंचाई जाएगी। 30 मई को पूरा होने जा रहा है एक साल दूसरे कार्यकाल का, पत्र के जरिए उपलब्धियां गिनवाई जाएंगी, किस तरह की प्लानिंग है ये हम आपको बता रहे हैं। प्रदेश स्तर पर अलग टीम है, जिला स्तर पर अलग टीम है, मंडल स्तर पर अलग टीम है। मंडल के लोग अपने बूथों के कार्यकर्ताओं से संपर्क करेंगे, बूथ अध्यक्ष अपने साथ लेकर के जो पहला है एक संकल्प पत्र है जो हमने किया है उसका, उस पत्रक को 10,000 घरों तक, 10,00,000 घरों तक पहुंचाने का एक संकल्प हमने लिया है।